अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है अबाउट माय पैलेट्स कलेक्शन। जैसे कि आपने फर्स्ट क्लिप में देखी होगी कि मेरे पास कितनी ज़्यादा पैलेट्स हैं। ये सब मैंने खुद बाय की हैं मेरे लुक्स के लिए, क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं मेरा स्टूडियो भी है तो वहाँ पर मेरे मेकअप वगैरह चलते रहते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इस मिनी सी पैलेट की। ये शिमरी शेड की पैलेट है और इसकी जो सिर्फ येलो शेड है, इसकी वजह से मैंने इसको ख़रीदा था 250 रुपीज़ में और ये लोकल सा ब्रांड है। अच्छा, इसके बराबर में ग्लैमरस की पैलेट पड़ी हुई है जिसको ऑलरेडी मैं रिव्यू दे चुकी हूँ डिटेल में। बात करते हैं इस पैलेट की, ये है ADS की शिमरी पैलेट। इसके कलर बहुत अमेजिंग है, इसमें ब्लश ऑन भी है और बड़े मज़े की। कहते हैं ये सहारा जूवियास की पैलेट है, इसमें मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, जस्ट इसका ये जो रेड कलर है वो मेरे ब्राइडल के जब लुक होता है उसमें यूज़ होता है। अच्छा, बात करते हैं अब इस पैलेट की। ये पैलेट भाई, इसकी एक कहानी है। वो कहानी ये है कि दराज.pk से मैंने ऑर्डर किया था ग्लैमरस की पैलेट, बट उस पैलेट की जगह मुझे ये वाली पैलेट सेंड कर दी थी सेलर ने, तो मैंने उनकी कंप्लेन की तो दराज वालों ने मेरे पैसे रिटर्न कर और ये वाली पैलेट मुझे दे दी एज अ गिफ्ट। तो ये पैलेट तब से मेरे पास है। खैर, ये अच्छी पैलेट है, नॉट सो गुड लाइक शक्ल से आपको पता चल रहा होगा, ये एमी वाली पैलेट है, ब्यूटीफुल सी पैलेट की। ये आजकल मेरी बहुत प्यारी वाली पैलेट बन चुकी है, क्योंकि आप इसके पिगमेंट चेक करो। और ये रिवाज UK की पैलेट है जो कि मुझे आजकल बहुत पसंद है और ये अभी न्यू है, मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। कहते हैं इस पैलेट की, तो ये है ओफ्रा की पैलेट। इसको भी मैंने अभी यूज़ नहीं किया क्योंकि ये मेरे पास कल ही आई है, तो मैंने इसको तक डिटेल में यूज़ नहीं किया ओफ्रा की पैलेट को। खैर, बात करते हैं शिमरी पैलेट की। तो ये जो शिमरी पैलेट है ये ड्यूप है, मास्टर कॉपी है, बट इसके शिमर शेड OMG वाले हैं। आई लव दिस पैलेट। मेरी हमेशा जो भी शिमर शेड अप्लाई करने की बारी आती है तो बस मेरे हाथ इसी पैलेट पर जाता है। और ये 850 की मैंने ली थी, यस 850 की हमें रिसीव हुई थी, जो कि टूटी फूटी मिली थी। मैंने उनको कंप्लेन भी की थी क्योंकि उन्होंने ना कोई बबल रैप किया हुआ था, ना कोई पैकेजिंग की थी, बस जस्ट एक थैली में डाल के मुझे सेंड कर दी थी। खैर, इसके पिगमेंट्स बहुत अच्छी हैं, इसकी प्राइस मुझे नहीं मालूम। मंगवाई थी ये, बहुत ही बकवास पैलेट है, पैसे ज़ाया करने वाली बात है। 1200 रुपीज़ की मैंने मंगवाई थी। मैंने ब्यूटी ग्लेज की पैलेट मंगवाई थी बट सेलर ने मुझे पता नहीं किस नाम की ये पैलेट सेंड कर दी। तो बात करते हैं माय मोस्ट फेवरेट पैलेट, इट्स जैकलिन हिल की पैलेट। हर लुक में जैकलिन हिल, हर मेकअप जैकलिन हिल। बस बात करते हैं, ये बॉक्स ऑफ क्रियोन की पैलेट है, मास्टर कॉपी है ये भी, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मैंने 650 की ली थी और ये भी, इसका जो मिरर है ये भी मुझे टूटा हुआ मिला था। इसके जो कलर हैं, जो पिगमेंट्स हैं, वो बहुत चौकी हैं, और जो इसकी कलर कलेक्शन भी है, जो इसमें पर्पल है, पिंक है, लाइट से शेड हैं जो एशियन टोन के लिहाज से मुझे नहीं पसंद, क्योंकि वो दिखते ही नहीं हैं भले आप कंसीलर भी अप्लाई कर लो। लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है तो आई थिंक इस वजह से, बट ओरिजिनल की मैंने काफ़ी इसकी तारीफ सुनी हुई है, इंशाल्लाह आगे चल के उसका भी रिव्यू दूंगी। ग्लिटरी पैलेट की, तो भाई मेरे पास ये दो ग्लिटरी पैलेट्स हैं। एक तो ये अलग अलग सिंगल शेड्स में मिलते हैं ग्लिटर, एक ये है मेरे पास और एक ये है, ठीक है। ये बिल्कुल इसका कोई नेम वगैरह नहीं है, यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है वो इसको बनाती हैं तो उन्होंने मुझे सेंड किया था। बट इसकी ये बात है कि कुछ ग्लिटर अच्छे से लग जाते हैं, कुछ ग्लिटर बिल्कुल अच्छे से नहीं लगते। हाँ, ये वाले जो लूज़ ग्लिटर हैं वो आपको ग्लू से अप्लाई करने पड़ते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पैलेट की, तो ये हुदा ब्यूटी की। अब कलेक्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये सारी हुदा ब्यूटी है, न्यूड वाली, रोज़ गोल्ड वाली और एक वो जो पर्पल वाली, वो सब हुदा वाली हैं, हुदा की हैं, बहुत अच्छी हैं, सही हैं। मुझे न्यूड बहुत पसंद आई, न्यूड इसकी कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त लगी है। बाकी हुदा की कलेक्शन अभी ख़रीदने में टाइम है, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ख़रीद लूँ जल्दी से। सो गाइस, ये था मेरा आज का पैलेट कलेक्शन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा, अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।